अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे ना अक्सर बच्चों की क्वेरीज आती रहती है कि सर प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं हम लोग को होलसेल में, हम लोगों को समझ नहीं आ रही हम लोग किस सप्लायर्स की तरफ जाएं, और सॉरी कौन सी कैटेगरीज की तरफ जाएं, या हम लोग कौन से प्रोडक्ट्स देखें। हम लोग बिल्कुल मतलब हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें, हमारे सामने ओपन फील्ड पड़ी हुई है। तो आप लोगों को यार मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया गेटेड कैटेगरीज भी हैं, अनगेटेड कैटेगरीज भी हैं, आप लोग किसी भी कैटेगरीज की तरफ जा सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। आप लोग स्टार्ट में कोशिश करें अनगेटेड से स्टार्ट करें, लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गई और होम एंड किचन हो गई, स्पोर्ट्स में चल जाएं आप लोग, टूल्स में चल जाएं, गार्डनिंग में चल जाएं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर आप लोग स्टार्ट में जा सकते हैं और जो इजीली प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं उसके अंदर। तो कल मुझे देख रहा था काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए हुए थे, न्यू स्टूडेंट्स के भी आए हुए थे मैसेजेस और बच्चों के आए, तो फिर मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। मैं आज आप लोगों के सामने लाइव प्रोडक्ट हंटिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग मैनुअल प्रोडक्ट्स हंट करते हैं। जस्ट हम लोगों ने कैटेगरीज में जाना है या बेस्ट सेलर से जाना है, उधर से हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट्स हंट करते हैं। लाइक आपके सामने अभी मैं ओपन करूंगा और आपके सामने सारा कुछ करूंगा, कुछ भी हिडन नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं कि मैंने पहले से निकाला हो, और आप लोग देख लेना कि इस वीडियो में कितनी जल्दी हम लोग को प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आप लोगों को वीडियो में बनाने का मकसद भी ये है कि चलो आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन भी होगी कि जल्दी प्रोडक्ट हंटिंग हो जाती है, कोई इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा सिंपल से स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो या बहुत ज़्यादा सोचे ना कि हम किस कैटेगरी में जाएं या किस कैटेगरी में ना जाएं, जस्ट सिंपल से स्टार्ट करें। आप लोग होम एंड किचन में चल जाएं, टॉयज में चल जाएं, गार्डनिंग में चल जाएं, किसी भी कैटेगरी में चल जाएं यार, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। आर्ट्स एंड क्राफ्ट से स्टार्ट करते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट में मैं अभी आपके सामने जाऊंगा, आपके सामने सारा हंटिंग कर रहा हूँ। हाँ, हंटिंग करने के लिए देखें आप, आपके जो है टूल्स हैं, टूल्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, अगर आप उसको हाथ से जोर लगाते रहेंगे उठाते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक राइट टूल चाहिए, आपको वो जो उसको उठाने वाला होता है टूल, आप उससे उठाएंगे। अकेला बंदा गाड़ी को लिफ्ट करके उसका टायर चेंज कर सकता है, डेट सिंपल। इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपके राइट टूल्स आपके पास होने चाहिए, एक्सटेंशन आपके पास लगी होनी चाहिए। उसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी एक्सटेंशन आपके पास होंगे तो आप इजीली प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट कैटेगरी में जाते हैं, उधर से फिर फर्दर सब कैटेगरीज में जाते हैं, और अभी आपके सामने मैं विद इन 10 to 15 मिनट्स हम लोग कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट उम्मीद है निकाल लेंगे। अब ये बेशुमार मेरे सामने कैटेगरीज आ गई, सब कैटेगरीज आ गई हैं, अभी जैसे हम लोग देखते हैं किसमें जाना है। अच्छा, ये जो रिव्यूज़ मैंने आप लोगों को बताया है कि रिव्यूज़ आपके अच्छे होने चाहिए, प्राइस रेंज अगर आप लोगों ने सेट करनी है तो सेट कर लें, इधर से आप इधर से रिव्यूज़ अच्छे आप सेट करें, ठीक है। प्राइस रेंज आप देख लें अपनी मर्जी से, मैं 50 to 100 कर देता हूँ। प्राइस रेंज आप एक अच्छी सी सेट करें, ठीक है। उसके बाद अब ये सामने आपके जो आपने दो चीज़ें लिखाई हैं कि रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, प्राइस रेंज 25 to 50 होनी चाहिए, अभी आपको उसके मुताबिक दिखा रहा है। अभी यहाँ पे ब्रांड्स भी दिखा रहा है, लेकिन ब्रांड्स की अभी हमें जरूरत नहीं है, ना हमें ऐसा जितना पता है, ऐसा न्यू भी हम लोगों को नहीं पता कि किस पे जाएं। अब अगर आपने डीएस क्विक व्यू लगाई होगी एक्सटेंशन, तो आपको इसी स्टेज पे पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लिए फिजिबल है, कौन से फिजिबल नहीं है। अब ये देखें सब में सोल्ड है, अमेजोन सोल्ड है, अमेजोन सोल्ड है, अमेजोन, ठीक है, सोल्ड है अमेजोन, 1 FBA। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखें सेकंड पेज पे ये हमें प्रोडक्ट मिल गया, 10 FBA, 10 FBA सेलर है इसके ऊपर, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। अब इसका जो मैंने आप लोगों को बताया कि रेटिंग्स कितनी होनी चाहिए, 3.5 से अबव होनी चाहिए, जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा क्या है। मैं फिर एक दफ़ा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो आप लोगों के साथ एक अलग से वीडियो में शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये देखें ये रेटिंग्स हमारे मुताबिक हैं, रिव्यूज़ मैंने आपको बताया कि मिनिमम 50 होने चाहिए, रिव्यूज़ 50 से अबव हैं, ठीक है। सेलर्स देखते हैं, हमारा जो क्राइटेरिया मिनिमम 3 FBA सेलर्स होने चाहिए। अब सेलर्स हम लोग देख लेते हैं कि कितने FBA सेलर्स लिस्टिंग्स पे हैं, या अमेजोन इन स्टॉक है कि नहीं, या फिर ब्रांड स्टॉक में है या नहीं, ये सारा कुछ अभी हम लोग देख लेते हैं आपके सामने। यूनिपोस्ट का इसका ब्रांड है और इसमें यूनि सॉल्यूशन, हाँ ठीक है, ब्रांड नहीं है इसके ऊपर, ठीक
अमेजोन भी नहीं है, तकरीबन इसमें 11 ऑफर्स हैं और 10 FBA ऑफर्स हैं और एक FBM इसके ऊपर है। हमारे लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है। BSR एवरेज देखें 985 JS के मुताबिक है और HIPAA के मुताबिक देख लेते हैं क्या है। HIPAA के मुताबिक इसका एवरेज लास्ट 90 डेज का BSR है जी, सॉरी 699, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त BSR है। 699 BSR में हम लोगों को प्रोडक्ट मिल गया जिसमें 10 FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। मतलब आपके सामने मैंने किया 10 मिनट में, 10 मिनट भी मेरे ख्याल से ज़्यादा है, हम लोगों को मिल गया प्रोडक्ट। अब इसमें हमने फर्दर क्या देखना होता है, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, मैप पॉलिसी है कि नहीं है। मैप पॉलिसी नहीं लग रही थी क्योंकि वो उसमें क्या नाम है, प्राइस फ्लक्चुएशंस थी, वेरिएशंस देख रहे थे। इसके अंदर वेरिएशंस नहीं है, ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट है, वेरिएशंस नहीं है इसके ऊपर। और बाय बॉक्स की रोटेशन देख लेते हैं, इसमें बाय बॉक्स रोटेशन भी ठीक है। ये देखें 29, 12, 10, 9 और अच्छी बाय बॉक्स रोटेशन हो रही है। और जैसे हम लोग टाइम पीरियड भी देख रहे थे कि किस टाइम पीरियड में हो रही है, हाँ जबरदस्त। ये देखें 18 आवर्स गो, 20 आवर्स गो, 4 डेज, 2 डेज, जस्ट नाउ, 5 डेज। बाय बॉक्स रोटेशन भी बहुत जबरदस्त है। बाय बॉक्स रोटेशन में हम लोग ने देखना होता है कि सेल्स बाकी सेलर्स को मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो ये बहुत जरूरी होता है देखना कि जो सा प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं उसमें सेल्स रोटेट हो रही है नहीं हो रही, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें बाय बॉक्स बहुत जबरदस्त रोटेट हो रहा है। प्राइस रेंज अगर आप देखें, प्राइस रेंज भी एवरेज प्राइस रेंज 35 to 36 या 38 तक, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रही है। प्राइस रेंज भी अच्छी है, स्टॉक भी उनका ठीक है। FBA सेलर्स जो हैं उनकी रेटिंग्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डरी नहीं है। हाँ कुछ हैं सेलर जिनकी 25,000 या इस तरह से कुछ है, लेकिन वो भी मामला ठीक है। 90 डेज में देखें तो और बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी दिखा रहा है। तो इस तरह से देखें सिंपल है। मैं अब ये था कौन सी आर्ट्स एंड क्राफ्ट कैटेगरी थी। अब मैं आपके सामने एक और कोई रैंडम कैटेगरी यहाँ से को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, ग्रॉसरी फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट कर लेते हैं, या कौन सी करें, टूल्स टूल्स कर लेते हैं। अब मैं टूल्स में भी आपको एक आधा ढूंढ के दिखा देता हूँ। डेट सिंपल, इतना सिंपल है प्रोडक्ट हंटिंग करना, आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अमेजोन में प्रोडक्ट ढूंढना बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। और इधर से अगर आप लोग सैलर स्निपिंग कर लें, ये जो प्रोडक्ट हमारे लिए फिजिबल था, इसके अगर आप सैलर स्निपिंग करते तो आपको और मजीद अच्छे निकल जाए। तब उसके लिए अलग से मैं आपको सैलर स्निपिंग की भी वीडियो बना के दिखा दूंगा। अच्छा इसके लिए देखते हैं सब कैटेगरीज में आ जाए, सब कैटेगरीज में आके फर्दर हम लोग इसको देखते हैं कि क्या कौन सी कैटेगरीज हैं। अच्छा अब यहाँ पे भी आपने फर्दर जैसे चेक मार्क लगाना है तो लगा लें, और प्राइस का भी लगा लें। आप होम एंड किचन है तो प्राइस थोड़ी सी हम लोग ज़्यादा रख लेते हैं, 50 to 100। अच्छा प्राइस रेंज यार आप लोगों ने हमेशा देखना है अपना बजट, या अगर आप लोग क्लाइंट का काम करें तो क्लाइंट के बजट के हिसाब से, जितना उसका बजट है उस हिसाब से आप प्रोडक्ट देखें। अब इसमें DSQQ हमें यहीं पर बता देगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए फिजिबल है कौन सा नहीं है, तो हमारी वर्किंग बहुत आसान हो जाती है। अच्छा 2 FBA सेलर्स, मेरे से बच्चे पूछ रहे हैं सर से 2 FBA सेलर्स ही हैं तो हम उस पर क्यों ना जाएं। यार ज़्यादातर उसमें ना ब्रांड्स होते हैं या फिर ज़्यादातर वो प्राइवेट लेबल के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। आप यहीं पे देख लें, आपके फिजिबल कोई प्रोडक्ट नज़र आया तो ठीक है, नहीं नज़र आया तो आप उसको स्किप कर दें। ये मेरे ख्याल है काफ़ी बड़ी, मैंने ब्रॉड कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, होम एंड किचन में जाते हैं, लेकिन कोई सब कैटेगरी उसकी अच्छी हो। ये LCDs वगैरह आने लग गए, हम लोग इतनी बड़ी LCDs वगैरह में वर्किंग करते भी नहीं है। हाँ अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्राफ्ट सप्लाईज, ये ठीक है, छोटे कैटेगरीज है और इसमें काफी कुछ मिल जाएगा। अच्छा ये फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट आ गए, इधर हम लोग किचन में देख लेते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियोस रहे, बहुत लेंथी वीडियोस ना हो, ताकि आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं। लेंथी वीडियोस में बोर बोर भी हो जाते हैं। मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि रैंडमली भी आप लोग ढूंढने तो कितनी जल्दी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे, आप बहुत ज़्यादा
उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, जल्दी जल्दी चीजें मिल जाती हैं। स्पॉन्सर एड्स आपको मैंने हमेशा बताया कि स्पॉन्सर एड्स आपने छोड़ देनी है, और उसके अलावा आपने जस्ट आके देखना किससे किससे मिलती हैं। अच्छा आप लोगों ने कोशिश करनी, जब भी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने बैठना है, आप लोगों के बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। जैसे कभी घर वालों ने बुला लिया, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था मेरे घर वालों ने बुला लिया, तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से बड़ा बंदे का ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ बैठे हुए हैं, कम से कम 2-3 घंटे कंटिन्यूस बैठ के प्रोडक्ट हंटिंग करें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब ये देखें इसमें 8 FBA sellers बैठे हैं, इसको हम लोग फर्दर एनालिसिस कर लेते हैं इसका। अब ये हमारे मुताबिक है, ठीक है, 4.4 ये भी हमारे मुताबिक है। इसके सेलर्स देख लेते हैं कौन सेलर्स बैठे हुए हैं। पीपा में देख लेते हैं, अमेजोन तो नहीं है, बाय बॉक्स रोटेशन चेक कर लेते हैं। मतलब ये 4-5 चीज़ें आप लोग देख लें, आपके सामने फौरी तौर पर निकल आता है प्रोडक्ट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप एक फर्दर है कि आपने सप्लायर ढूंढने, सप्लायर आपको अप्रूवल देते हैं नहीं देते, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग की स्टेज तक तो आप लोगों को फर्दर पर प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाता होता है। अब ये देखें इसमें डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी ओपन हो रहे हैं। FBA भी हैं, FBM भी हैं, 7 ऑफर्स FBA की, बल्कि ज़्यादा होती जा रही है, अभी लोडिंग हो रही है। 8 ऑफर्स FBA की हैं, 3 FBM की हैं, मतलब हमारे लिए फिजिबल प्रोडक्ट है। इधर से मैप पॉलिसी भी नहीं है, BSR भी इसका अच्छा लग रहा है, और सॉरी BSR अच्छा नहीं है इसका, 1,09,000 है अभी करंट BSR इसका, 50,000 है, कितना है, 58,000 है करंट BSR। एनी हाउ इसको फर्दर हम लोग चेक करते हैं। BSR फिर भी करंट देखे हैं हम लोगों ने, वैसे देखना एवरेज होता है, एवरेज इसलिए देखना होता है, हमने परफॉर्मेंस देखनी थी प्रोडक्ट की कि लास्ट 3 मंथ्स में उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसमें BSR कितना ऊपर जा रहा था, कितना नीचे आ रहा था। हाँ देखें, BSR इसका ज़्यादा अच्छा नहीं, इसलिए सेल्स कम है। जस्ट नाउ है, 2 डेज बिफोर किसी को सेल मिली, 4 डेज बिफोर, 3 डेज बिफोर, 1 डे बिफोर, 19, और फिर भी बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है। अभी इसका BSR है 58,000 में, 57,000 में, तो उस हिसाब से इसकी जो है बाय बॉक्स रोटेशन ठीक जा रही है। और प्राइस रेंज इसकी मैक्सिमम 130 तक गई है, मिनिमम इसकी प्राइस 77 तक गई है। तो अब हम लोगों को इसके अराउंड सप्लायर से हमें को प्राइस मिले तो उधर से हमें आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं है। तो इसकी अगर हम लोग फर्दर सेलर स्निपिंग करें तो वहाँ से भी आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो वो है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सेलर स्निपिंग की। ये जस्ट मैं आपको एक मैनुअल सर्च के मुताबिक बताना चाह रहा था कि मैनुअल अगर आप लोग हंटिंग करें तो किस तरीके से आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोगों ने ये नहीं करना कि होलसेल का एक लंबी जर्नी है, होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग है, फिर सप्लायर कम्युनिकेशन है, फिर आप लोगों का प्रोडक्ट पहुँचते पहुँचते अमेजोन के वेयर हाउस में पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है कि पैसे नहीं बन रहे या स्लो बन रहे हैं, पैसे बनते हैं, अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। आप फिजिकल बिजनेस भी स्टार्ट करें, आपको फिजिकल बिजनेस में भी टाइम लगेगा, ये तो फिर एक ऑनलाइन बिजनेस है, आप किसी और की कंट्री में जाके बिजनेस कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोग रातों रात अमीर हो जाएंगे या 1 महीने बाद 2 महीने बाद पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कुछ आते हैं जिनके बाई चांस सेकंड मंथ भी पैसे बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ रखें, बहुत लॉन्ग टर्म इनकम है इसके अंदर, बहुत अच्छी इनकम है, और बहुत बहुत यानी कि हैंडसम अमाउंट ऑफ अर्निंग आप कर सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।